जोशीमठ में हल्की बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन से जूझ रहे जोशीमठ में दरारें और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग बिना मुआवजा लिए अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। देर रात दरार और धसाव के शिकार मकानों से विस्थापित लोगों से मिलने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत शिविरों में पहुंचे। रिलीफ कैंप में धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों की हर हाल में मदद का भरोसा दिया। देर रात शिविरों में पहुंचे सीएम धामी, प्रभावित परिवारों को राहत हमारी प्राथमिकता, सीएम धामी की तरफ से यह आश्वासन प्रभावितों को दिया गया। धामी का रिलीफ कैंप दौरा ऐसे वक्त हुआ जब विस्थापितों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। गुस्से में कल दिन भर लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। लोग मुआवजे की राशि को लेकर नाराज हैं। इस मौके पर धामी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। तो राहत शिविरों पर तैयारियों का जायजा भी सीएम धामी ने लिया। किस तरह से लोगों को भोजन दिया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, हर चीज का ख्याल सरकार रखने की कोशिश कर रही है, ये आश्वासन सीएम धामी की तरफ से प्रभावितों को दिया गया। इसकी कभी तबीयत खराब हो रही है, नाक में जुकाम चल रही है, इतने दिन से बेघर हो गया, हमने घर छोड़ के आ गया, कुछ ना कुछ संविधान भी कौन, ऐसे हम नहीं रह सकते। कल आप एक बार हमारा घर देख लेना, हमारे उस दिन आए थे, साथ में नीचे तक नहीं आए, उस घर में रहने लायक नहीं है, कुछ 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 डिसीजन नहीं, कुछ डिसीजन नहीं, कहा से पसंद ये करें, गुमा करें हमको, अभी हमारे सही मीटिंग हुई, उसको कुछ हुआ है, अभी गुमा करें। इस 6 महीने के बच्ची को लेके कहा कि हो जाएगा हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं कर रहा, हमारा मुआवजा अभी तक नहीं मिला हमको, कह रहा कि कुछ मिलेगा, कुछ बोली नहीं, क्या 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 हुआ, कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, ठंड में परेशान कर रही, सोई मीटिंग हुई, उसको बोला कि मुआवजा हो जाएगा, क्या क्या हुआ हमारा, आप एक चीज बताओ हमारा कैसा हुआ, मतलब आप बताइए हमारा कैसा हुआ, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची 6 महीने की बच्ची है अभी, तो जोशीमठ में अभी हल्की बारिश हो रही है, किस तरह से वहां पर चल रही कार्रवाई को ये प्रभावित कर सकता है, इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे आशुतोष मिश्रा से, जोशीमठ से सीधा। आशुतोष आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसम को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि अगर मौसम खराब बना रहता है तो लोगों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। और इस खतरे की संभावना लोग जता भी रहे थे मलिका, और आज भी बीती रात एक्चुअली बारिश हुई है, मॉडरेट रेनफॉल कह सकते हैं, और वो बारिश पूरे इलाकों में, निचले जोशीमठ का जो सतह है 6000 फीट की ऊंचाई पर शहर, वहां और उससे ऊपर भी हुई है। इतना ही निकल ठीक इसी जगह में, जब मैं सुबह मैंने शुरुआत की थी, पहाड़ के ये जो निचले हिस्से थे यहां पर इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ बीती रात में इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि अब वो काफी नीचे तक आया, और इसके चलते आप देखिए कि पहाड़ का वो पूरा हिस्सा जो है घने काले बादल है। हालांकि जोशीमठ के ऊपर अभी भी कुछ राहत इसलिए दिखती है क्योंकि बादल थोड़े से स्कैटर्ड हैं, लेकिन ये चूंकि 13 तारीख तक का इस तरह की अलर्ट थे, इस तरह की वार्निंग थी, चेतावनी थी कि बारिश और स्नोफॉल होगा और ऊपरी इलाकों में अभी भी मौसम खराब है, इसलिए अब इसके चलते आप देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि खुद के लिए हाथ पैर गर्म रखने के लिए भी कितनी मुश्किल होगी। इसीलिए अब देखिए कि रात को मुख्यमंत्री धामी उन तमाम जो कैंप लगाए गए वहां वो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए, अभी खासकर जिस होटल को गिराया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है वहां उसके नीचे लोग तिरपाल लगा करके अभी भी बैठे हुए हैं, तो लोगों की मुश्किलें तो लगातार बढ़ रही है। सरकार ने आश्वासन दिया है, जो मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन लोगों को लगता है कि मुआवजा बेहद कम है, 1.5 लाख रुपए में बना बनाया पुश्तैनी घर छोड़कर, जमीन पर मवेशी छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहां, तो मुश्किलें लगातार अभी बढ़ रही हैं, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है, एक अहम जानकारी, क्योंकि आज शायद मुख्यमंत्री एक और अहम बैठक करने वाले हैं, और खासकर जो होटल है और 2 ऐसी प्रॉपर्टीज जो मुख्य सड़क पर है, क्या उनको अतिरिक्त मुआवजे के लिए किसी तरह के सर्वे का आदेश होगा, उस पर सबकी नजर बनी हुई है।